बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज हम इंटरनेशनल लेवल पे जो मशहूर उस्ताद हैं चौधरी मोइन नवाज़ घुमन, उनके ब्रीडर सेटअप में मौजूद हैं और आज उनकी जो अपने घर की नस्ल है सियालकोटी शर्मीले, उनका उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब हमें शौक करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये इन कबूतरों के मतलब बताएं जी हमें, शर्मीले जो ये सियालकोटी कबूतर है जो सारे माशाल्लाह शर्मीले जो जितना भी शाबदार है, इनको और हम प्योर ओटी पे ला कर ऐसा जोड़ा लगा रहे हैं मतलब। अच्छा, ये आपने इस तरह जोड़ा लगाया ये? जी जी, ये दिखाएं जी इसकी क्लोज आइए दिखा लें थोड़ा, ये नर की आई है। ये शर्मीले गुमन साहब आपके पास कितने अरसे से हैं, इनकी थोड़ी हिस्ट्री भी साथ साथ बताएं। 25 साल हो गए। अच्छा जी, किस तरह आपने तैयार किया थे? एक कबूतर से बनाए थे, एक दो कबूतर से बस। इसके पंजे देखें जी, जबरदस्त शर्मीला, ये प्योर शर्मीला है जो गुमन साहब के साथ मादी लगाई हुई है। ये जोड़ा जो ना, ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यार वाले कबूतर हैं सियालकोट के। ये कौन से हैं? ये पटेरा है मादी से। अच्छा जी, ये अब शर्मीलों का और बटेरों का क्रॉस करवा के उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब, इसमें अब क्या आपको लग रहा है कि क्या इसमें बच्चों में क्या चीज़ बेहतर होगी? तो एक तो कलर में भी वापसी आएगी, जिस तरह प्योर को कलर होता है सियालकोट, और इनमें उड़ान तो एंड है ना, इसको छोड़ते हैं उधर फटी में मारने में छोड़ो उधर, ये मार भी गया है। अच्छा जी, ये जोड़ा लगाया उस्ताद मोइन गुमन साहब कह रहे हैं कि ये थोड़ा कलर इसका चेंज करना चाह रहे हैं, परवाज़ के मुतालिक उन्होंने बताया जी शर्मीलों की, वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी एक कबूतर की परवाज़ हो सकती है उतनी वो परवाज़ देते हैं, बल्कि शर्मीले भी अब दुनिया भर में जितने भी कबूतर परवर हैं वो इस ब्रीड का नाम जानते हैं कि उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन के जो शर्मीले हैं उनके मुतालिक। अब और भी कोई और जोड़ा दिखाते हैं। अच्छा ये जी, उम्र कितनी? आप कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है वो कोई शर्मीले आपको कोई 4-5। ये छोटे गुमन साहब का भी दिखाएं जी, ये भी आ गए हैं जी साहब, बच्ची का बेटा। ये नवासे हैं जी चौधरी साहब के, ये देखें जी, ये नारे बड़े लंदा भी। ये एक एक और ब्रीडर, ये अंग दिखाएं मादी की, ये फीमेल है जी, ये हमारे सियालकोट की शान है जी, ये कबूतर माशाल्लाह। ये कौन से कबूतर हैं? जिनको अली वाले कह लें या जो भी बटेरे कह लें, जो भी कह रहे हैं, ये अली वाला कबूतर है जी, मादी मादी है मादी, जिसको मोइन नवाज़ घुमन साहब ने इनसे टैडी बने हुए शर्मीले जो हैं इस कबूतर के साथ क्रॉस कर रहे हैं। ये माशाल्लाह नारे नर की आई है, ये देखें जी। ये देखें जी, इसका जो उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब अपने शर्मीलों के अंदर क्रॉस दे रहे हैं, ये फीमेल है अली वाली कबूतरी, इसके परों का आप शौक करें, कैसा ज़बरदस्त इसका पार है, पूरा प्रॉपर शेप में बदलें इसकी, देखें ये पार देखें जी, ये थोड़ा फोकस रखें जी ताकि जो आम कबूतर परवर उन्हें पता चले कि बड़े उस्ताद जो हैं वो किस तरह। ये जो है ना, ये ऐसे सीधे जा रहे हैं ना, ये एक कबूतर की अच्छी निशानी है, ऐसे बराबर जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं ये जी। अब
आज लग रहा है कि उस्ताद मोइन नवाज साहब का कुछ वो बताने के मूड में है। ये उन्होंने बताया कि ये बगल से बिल्कुल सीधा एंड तक जा रहे हैं इसके पार जो है, और ये उन्होंने बताया कि अच्छे पार की निशानी है ये दिखा दी अभी आपको। ये इसकी कबूतरी की आँख दोबारा से दिखाएं जी। ये ब्रीडर सेटअप में है उस्ताद मोइन नवाज साहब के, वो शर्मीलों के साथ इसका त्रास की है, अली वाली ब्रीड से इसका ताल्लुक है इस फीमेल का। बड़ा नॉर्मल सा जिस्म है, तो बहुत बड़े साइज़ की नहीं है ना बहुत छोटे साइज़ की है। इसकी पलकें भी देखें, आँखें भी देखें, इसके रिंग देखें आँखों के, कि ये गुमन साहब ने किस तरह के जो है जो ब्रीडर सेटअप में है। इसकी चोंच भी देखें। अच्छा जी, आपने एक चीज़ पिछली दफ़ा बताई थी कि कबूतरों की ये पलक थोड़ी सी होनी चाहिए, शेड होना चाहिए ऊपर। हाँ जी, ऊपर थोड़ा सा वो शेड होना चाहिए। अब गुमन साहब के हाथ में भी है जी एक नर, भाई है आँख भाई है चक्कर आता है। ये एक और है जी, ये माशाल्लाह फीमेल है, फीमेल चूही बटेरी, ये भी बटेरी है जी। बटेरी नस्ल से इसका ताल्लुक है, और इसके ऊपर देखें ये बकायदा जो है ना ये लाल दाग तंबाकू कलर आ रहा है। ये बटेरों का कहते हैं कहीं ना कहीं आ जाता है इसमें लाल दाग आ जाता है, पार के अंदर आ जाता है कुंदों में जी, जी। ये सर पे आ जाता है, बाज़ औक़ात कोड़ी में भी आ जाता है बिल्कुल। ये जी उस्ताद मोइन नवाज गुमन साहब के घर में जो बटेरे कबूतर हैं ये वो हैं। इनके पंजे देखें कैसे बलीक और खुश्क नलियाँ, ऊपर इनके सिकरी भी जमी हुई है। इसका मज़ीद आपको दिखा दें, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो कबूतर पर हैं वो उस्ताद मोइन नवाज गुमन साहब के गौर से देखना चाहेंगे। ये इंतजार के लिए बटेरे हैं, ये बटेरी फीमेल है। और ख़ास तौर पर यह सर के ऊपर दिखाएँ टेंडर पफ मंगा रहे हैं ना, सीखवा टेंडर पफ को सीखवा मंगाने चाह बनवानी है। राम ना बुआ खोलो निकल रहे हैं इसका बहुत बड़ा है वो इस तरह है, वो कल आ जाए ना, वो नहीं है कुंडा नहीं है होता है ना, और टेंडर पा भी बना ला मैं पैसे कर ले रही मंगा ला असल, लेकिन ये नॉर्मल से बिल्कुल देखने में कबूतर है, लेकिन नहीं नहीं कर ले तो मोटरसाइकिल ले जाओ उस्ताद मोइन वाज चाबी दे जो ब्रीडर सेटअप में। ये देखें जिस तरह अभी पहले भी गुमन साहब ने बताया कि ये बगल से सीधा फर जा रहा है, ये स्पीडर कबूतरों की निशानी है, तेज कबूतर जो तेज फौरी बुलंदी जाते हैं। अच्छा जी, ये उस्ताद मोइन नवाज गुमन साहब से हम आज कुछ ना कुछ जो है वो नई बातें भी पूछने की कोशिश करेंगे। ये जी फीमेल जाके बैठ गई है, अब एक और कबूतर है जी, अगर ये कैमरा मैन इस तरफ आए तो मोइन नवाज गुमन साहब के हाथ में नॉर्मल निकाल दो। हेलो, ये कौन है? ये शर्मीला जीरे जो ये जीरा शर्मीला नारे करे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਕਰਨਲ ਆਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ये जीरे उन्हें गए थे जी, वो यकीनन उन्होंने संभाल के रखे हैं, वो चीज़ें ज़ाया नहीं करते। ये महाराज इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है छत पे 714 पे, इसी फैमिली का जो बड़ा था जीरा कबूतर वो बैठा था, जब चौधरी सखी पट्टी से बाजी उड़ी थी तो ये बस छत होती थी हमारी इतनी
ये छत का थोड़ा व्यू बता या खुडे का बना दें। एक ही खुडा था जो इब्तदाई, जहाँ से ये देखें जी, इसका अगर कैमरा थोड़ा सा मूव करें इस साइड पे, ये जो है ना, यहाँ से जो है उस्ताद मोइनवाज गुम्मन साहब ने पूरे पंजाब से जो है वो मुकाबलों में हिस्सा लिया था और अल्लाह ताला ने कामयाबी भी दी थी बड़े उस्तादों के साथ, और उस्ताद चौधरी सफ़ी भट्टी साहब के साथ भी इधर से ही जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये छात्र अभी मुझे गुम्मन साहब बता रहे थे जी कि जब ये यहाँ से मुकाबलों में हिस्सा लिया तो लोग बड़ा, ये छत वाली मादी भी दिखाने हैं, ये एक और ये मादी छत फीमेल है जी, छत वाली। अच्छा, इन्हें भी शर्मीलों में ग्रास दिया। हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली शर्मीले है ये, इनमें ना बस। अच्छा, ये छत वालों में से शर्मीले, चूहा बटेरा छत वाला। अच्छा, शर्मीलों में छत वाले और चूहा बटेरा, ये तीन क्रास हैं। हाँ जी, ये इसका पल्ला है। इसको अगर बैठे भी दिखाया था, चूहे तीन जो नस्लें जो है इनके परिंदे क्रॉस करके जो इन्होंने नस्ल तैयार की है शर्मीले। ये देखिए इसके पास, इसको ना ज़रा सारा मुकम्मल तसल्ली से दिखाएं, क्योंकि मोइनवाज गुम्मन साहब के कबूतर जो हैं दोस्त बड़े गौर से देखना चाहें, जो ज़्यादा देर तक उनकी ख्वाहिश होगी कि उन्हें दिखाएंगे। ये बारिश का बीच वाला दिखाएं कितना चौड़ा पारा है। ये देखें जी, ये कम से कम एक इंच का पारा है जी, ये दूसरी कली जो है भी ज्यादा। हाँ जी, सवा इंच डेढ़ इंच से ज्यादा पारा है। अभी थोड़ा सा इसके बाल वगैरह भी हैं, वो भी अगर सीधे किए जाए तो ये सवा इंच तक पहुँच जाता है। आँख भी इसकी दिखाएं, ये कबूतर हमारा इश्क है, मान है, बस ये इनसे ज़्यादा हमको कोई शौक़ नहीं है। ये ही कबूतर है जिन्होंने हमारा पूरे दुनिया में एक नाम मकाम बनाया। ये जो शर्मीले कबूतर है। हाँ जी, ये सारे चाल कुटे, ये इसके पंजे। और दुम का जो है वो उस्ताद मोइनवाज साहब ने मुझे बताया था कि वो इतना ख्याल नहीं रखते हैं, और दुम का ताल्लुक भी वो कहते थे प्रवास से नहीं होता। ये देखें जी, ये बिल्कुल एक उंगली दुम है इसकी, ये इसके जो लंगोट आ रही है तकरीबन जो है ये दुम के परों जिसके बराबर ही आ रही है, एक उंगली दुम है इसकी। बड़े मुतरासब जिस्म की है, और छोटी सी कबूतरी हड्डी भी जो है उठी हुई हड्डी है, और ये भी चार उंगली तकरीबन जो है वो चार उंगली है जोड़ इसका ऊपर को है। ये बनाओ फोटो बैठी थी। ये जी अब तक जितने कबूतर आपको हमने शो करवाया, ये ब्रीडर हैं जी, इन्हीं के बच्चे जो हैं वो इस दफ़ा कितने हैं जी इन बाजियों में जो आप जीत सारे अपने उड़ रहे हैं माशाल्लाह, इन्हीं जोड़ों के बच्चे हैं। हाँ जी, ये वो जो ब्रीडर कबूतर आपको दिखा रहे हैं हम, जिनके बच्चे भी अब भी जो है वो मुकाबलों में, उड़ान के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। और अभी उस्ताद मोइनवाज गुम्मन साहब का कहना है जी कि इससे अच्छे कबूतर नहीं हो सकते जितने ये हैं। जाहिर है कितने बड़े उस्ताद जो है तारीफ कर रहे हैं, तो इनमें कुछ क्वालिटीज भी होंगी। इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जी जो आपको पसंद है? एक तो इनके वफादारी बहुत है, वापसी बहुत है इनमें, एक प्रवास बहुत है, और खूबसूरती भी इनकी अपनी मसाल आप है। अच्छा जी, तीन चीज़ें जो सबसे पहले जिनका नाम लिया है वो उस्ताद मोइनवाज गुम्मन साहब ने बताया कि वफा जो है इनमें बहुत ज़्यादा है,
अपने ये मुखलिस हैं, मालिक के साथ मुखलिस होते हैं, घर के साथ मोहब्बत करने वाले ये कमिटेड परिंदे हैं कि जिन्होंने हर हाल में वापस आना है, अगर मौसम ख़राब भी हो जाता है ये मौसम से भी लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं तूफ़ान का भी, हवाओं का भी, शदीद गर्मी का भी मुकाबला करते हैं। और ऊपर ज़ाहिर है जो परिंदा आसमान में जाता है उसने शिकारी परिंदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं ये सियालकोट के इलाके में जी, दूसरे बहुत 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 क्योंकि ये बिल्कुल साथ ही जम्मू कश्मीर है, मकबूजा जम्मू कश्मीर है और आज़ाद कश्मीर भी है सियालकोट की एक साइड पे और मकबूजा कश्मीर भी, लगड़ बैरी बहुत मार रहा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है शिकारी परिंदा आता है और ये कबूतर उनसे भी बच के इन्होंने वापस आना। ये चूहा ब्रीड है, ये जी चूहे भी दिखाएं जी, ये भी, ये जी उस्ताद मोइनवाज गुमन साहब के जो चूहे कबूतर हैं वो, अच्छा जी उस्ताद जी इनके बारे में कहा जाता है कि ये मौसम का हाल भी बताते हैं चूहे जो हैं, इस हवाले से बड़े अकलमंद होते हैं, कबूतर निकल गए जैसे ही मौसम ख़राब हो और निकल के सामने आ जाए, ये इनकी नाक जो है ना इनके सूंघने की सलाहियत बहुत अच्छी है, ये नाक थोड़ा नज़र आ रहा है ना, जितनी सफेदी ज़्यादा होगी थोड़ी नाक थोड़ी सी मोटी होगी उतना ही ज़्यादा कबूतर जो है ना वो वापसी उसकी ज़्यादा है। अच्छा जी इस नस्ल के बारे में ये भी कहा जाता है कि मौसम का इससे पहले अंदाज़ा हो जाता है कि ख़राब होने वाला, ये ख़राब होने से पहले आ जाता है निकल आते हैं। ये इसका जी, ये आपको शौक भी करवाते हैं, ये चूहे हैं, बेल बांध कर पुरानी जो नस्ल है उनसे इनका बहुत पुरानी नस्ल है सियालकोट, और जहाँ पे सियालकोट ही कबूतरों का जिक्र आता है वहाँ पे ये चूहे कबूतर जो है ये फौरी तौर पर जी बांध के आ जाते हैं, चूहे बटेरे मोती वाले। ये देखें जी अभी जो खास चीज़ बताई है उस्ताद मोहम्मद गुमन साहब ने वो ये बताई है कि इसके ये जो नथनों के ऊपर सफ़ेदी जो है ये जितनी ज़्यादा हो उतना परिंदा जो है वो उसकी वापसी ज़्यादा होती है। ये शेड देखें थोड़ा दूसरे कबूतरों से मुख्तलिफ होता है, अंदर को इसके ऊपर शेड ज़्यादा होता है, देखें इसका पर भी जल्दी जल्दी दिखाएंगे। चूहे प्योर इनकी कितनी गुमान साहब परवाज होती है, शाम तक जाते हैं ये भी, शाम तक चले जाते हैं। हाँ जी ये चूहे कबूतर भी जो हैं वो मोइनवाज गुमान साहब बता रहे हैं कि इनकी भी परवाज जो शाम तक चले जाती है, अगर उन्हें प्योर भी उड़ाया गया ये इनके पंजे भी देखते हैं। तो थले हुए बुमाना वो दिखाएंगे उसके ऊपर, बल्कि ये पहले जी जी आया जाए, ये नारा जी ये कौन सा है, ये शर्मीला है, ये शर्मीला मेल है जी, इसके साइज है ये पंजे देखिए, साइज पूरे है, चलो हम दूजे खुडे ही ले रहे। अच्छा जी जो आप जो वीडियो जो है हमारी तकरीबन 20 मिनट पर पहुंच गई है, और अभी मैंने उस्ताद मोइनवाज गुमन साहब के जो एक और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो खुले हैं ये ब्रीडिंग सेटअप में, और एक दो थोड़ा मैंने कबूतर हट के भी देखे हैं, वो भी इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका भी शौक करवाएँ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।